वेलकम बैक टू माई चैनल। मैंने एक्चुअली सोचा था बहुत दिन मैंने ब्लॉग नहीं किया है। लास्ट मैंने ब्लॉग किया था आई थिंक मेरे फ्रेंड के इंगेजमेंट वाले दिन, एंड इट हैज़ बिन ओवर 20 डेज। तो मैंने सोचा था कि फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट से ही ब्लॉग करेंगे, कि हफ्ते हफ्ते का ब्लॉग जाएंगे थोड़ा। बट मैं आज अचानक से प्लान बन गया फ़ोन खरीदने का, वो भी मेरे पापा का, बिकॉज वेन ही केम बैक होम उनके फ़ोन, आई डोंट हैव हिज फोन एट द मोमेंट विद मी, बट उनके फ़ोन की स्क्रीन में टच इज़ वर्किंग, बट कुछ एक तो बड़ा सा स्पॉट आ गया है। एंड ही इज़ अ लॉयर एंड ही कैन नॉट, मैंने उनका काम नहीं चलेगा अगर उनका फ़ोन एक दिन के लिए भी स्टोर पर ठीक कराने को दिया। एंड एनी वेज आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेयर फ़ोन, मेरे ये वाला फ़ोन छोड़ के आई वॉज लुकिंग फॉर अ स्पेयर फ़ोन, कि मेरा एडिशनल बहुत सारी कामों के लिए वो लगता रहता है। तो आई वॉज लाइक कि यार एक फ़ोन हो जाता, मेरे पास एक है बट उसका बैटरी इतना बढ़िया नहीं है। एंड पापा का फ़ोन बाई मतलब टच वुड बहुत बढ़िया कंडीशन में है, इट्स बिन 4.5 years ही हैज़ गॉट दैट फ़ोन, बहुत 4.5 के उससे ज़्यादा ही है थोड़ा बहुत, तो फिर भी द फ़ोन इज़ इन वेरी गुड कंडीशन। और मेरा जो MI वाला फ़ोन है उसका ऐसा हाल है। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरे को एक सेकेंड फ़ोन आए, मैं खरीदना नहीं चाहती। अभी कोई भी सस्ते से सस्ता फ़ोन ख़रीदना भी जाऊँ 15,000 से 20,000 तो खर्चा होगा, एंड आई डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट। पर अभी मैंने पापा को पढ़ा लिया कि पापा देखो आपका तो फ़ोन 4.5 साल हो गया, उसका आपके यूजेज हो गया, अब मेरे को दे दो, मैं स्क्रीन ठीक करा के मैं चला लूँगी, आप नया फ़ोन ले लो। मैंने पापा को बना दिया है, मतलब कन्विंस कर लिया है कि हाँ भाई आप नया फ़ोन ले लो, आप अमीर इंसान ले लो, मैं करूँगी आपका सेकेंड हैंड फ़ोन को मेरा सेकेंडरी फ़ोन की तरह यूज़। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मैं बहुत दिन से सोच रही थी ये चीज़। और या एनीवे, और मैं सोच रही हूँ अगर मेरे पास दो फ़ोन हो जाते उसका कैमरा क्वालिटी चेक करूँगी, अगर इज इज़ सिमिलर फ्रंट कैमरे में तो आई विल व्लॉग फ्रॉम दैट फ़ोन, क्योंकि ये वाला फ़ोन जो आप अभी जिसमें मैं मेरा अभी फ़ोन जो है उसमें बहुत काम रहता है, एंड इफ आई शूट फ्रॉम दैट फ़ोन ना तो दिक्कत थोड़ा बहुत हो जाता है। बट एनीवे नाउ द पॉइंट इज आई एम गोइंग टू बाय अ फ़ोन फॉर माई पापा, बिकॉज माई पापा दोनों जा रहे हैं चेंबर, दे डोंट हैव टाइम, इसीलिए फ़ोन जमा नहीं करा सकते। तो आई शॉट अ वीडियो थोड़ी देर पहले, और कुछ काम भी कर रही थी, उसका बैक बी रोल्स भी ले रही थी बेसिकली। तो आपको जब वीडियो दिखेगा तब पता लग जाएगा, अगर वो वीडियो इस ब्लॉग से पहले किया है तो आई विल पुट द वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। और अभी मैं जा रही हूँ फ़ोन खरीदने, सो दैट पापा का फ़ोन आज ही मैं जो भी चेंज वेंज ट्रांसफ़र वगैरह करना होता है कर लूँ, एंड पापा का जो दूसरा फ़ोन है जो एक्चुअली अभी है वो मैं रिपेयर कराने को दे दूँ। सो दैट्स द प्लान, नाउ फटाफट से करते हैं चेंज। वैसे मैं टी शर्ट तो ठीक ठाक पहनती हूँ, बट आई जस्ट वॉन्ट टू चेंज, फटाफट से करते हैं चेंज, एंड या लेट्स गो टू सैमसंग स्टोर। अपडेट, मैं एक्चुअली आके भूल गई थी अपडेट देना, थोड़ी देर पहले घर आई हूँ, दैट इज़ आज फ़ोन घर पे नहीं आया है, बिकॉज वी आर डूइंग थ्रू परचेजिंग इट थ्रू वाई सैमसंग फाइनेंस। तो वहाँ पे दे हैव टू पुट अ कोड जिसमें फ़ोन में वो कोड दिखेगा, एंड सैमसंग के वहाँ पे सिस्टम में डलेगा, सो द एंटायर प्रोसेस विल बी कम्प्लीटेड। तो बाकी सब कुछ हो गया था, ओनली कोड आया नहीं, फॉर दैट इट गॉट डिलेड, एंड लिटरली 9:30 बजे तक हम लोग स्टोर में थे, 8:30 बजे स्टोर बंद हो जाता है, हम लोग 9:30 बजे तक थे। और आई थिंक एज दे सेड कि सर्वर में कुछ दिक्कत है, तो अभी वो लोग जैसे मतलब बोले कि मैम आप कल आ जाओ, तो पापा को एक दिन फ़ोन के बिना चलाना पड़ेगा। आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनका सारा काम का फ़ोन आएगा, एंड अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट इवन शट डाउन हिज फ़ोन एट द मोमेंट। ये देखो मैं दिखा दूँ कैसा हालत हो गया, लुक एट द स्क्रीन, ये स्क्रीन ख़राब हो गया, इट कैन बी रिपेयर्ड, बट जैसे अगर कल सुबह फ़ोन मिल जाएगा, बट कल फ़ोन ठीक होके नहीं आएगा ना, तो नहीं तो ये ही ठीक करा लेते, जो भी है ये तो मेरे काम आ जाएगा, कल सुबह जाएंगे। सो मैं आपको मिलूंगी कल सुबह। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे,
और अभी मैं तैयार ऑलमोस्ट हो गई, ऑलमोस्ट कि मुझे और कुछ लगाना भी नहीं है, थोड़ा सा मे भी लिपस्टिक और फटाफट जाते हैं पापा का फ़ोन ले आते हैं। हेलो हेलो जी, मैं आ गई हूँ घर पापा का नया फ़ोन लेके। दिस इज़ द सैमसंग गैलेक्सी A23 5G। मैंने सोचा इसका 4G वेरिएंट भी आता है आई थिंक, बट 5G ले लिया क्योंकि देखो आप अगर अभी नया फ़ोन ले रहे हो तो रुको ना फ़ोन को ना कहीं पे टिकाओ, तो इट्स बेटर कि 5G वाला ऑप्शन लेने का, क्योंकि 5G तो देखो ऑलरेडी आ चुका है। ओके सो एज आई वाज सेइंग कि आने वाले 4-5 साल आराम से पापा ये फ़ोन को चला लेंगे, मतलब नॉर्मल से जैसे चलाते हैं। पुराना वाला फ़ोन भी ये जो है जो पापा यूज़ कर रहे थे वो भी 4.5 साल चला है। एंड ये वाला फ़ोन बाय द वे मैंने इसका स्क्रीन ठीक करा लिया है, बट नॉट फ्रॉम सैमसंग का सर्विस सेंटर, फ्रॉम अ लोकल गाय जो कोलकाता से है, जो लोग वो लोग जानेंगे, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास में है, Gate No. 1 के पास में है। तो वो वहाँ से बनाया है, अभी फ़िलहाल 4 घंटे के लिए रखने बोला है, 4 घंटे होने में थोड़ी देर बाकी है, उसके बाद मैं नया फ़ोन प्रोटेक्टर कवर वगैरह लगा लूँगी। और मैं गई थी, मैंने इसका भी प्रोटेक्टर लगा लिया है, स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसका बस बैक कवर खरीदना बाकी है, वो मैं वहाँ से नहीं खरीदूँगी, मेरा अपना पसंदीदा दुकान है वहाँ से खरीदूँगी। एंड बहुत बारिश हो रही है यहाँ पे, अभी कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि बारिश हो चाहे, मतलब सुबह से तो मैं बारिश में थोड़ा बहुत भीग ही रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट बारिश हो क्या कुछ भी हो, मैं आज ये सारा, मुझे ना बड़ा एक्साइटिंग लगता है ये सारा काम ख़त्म करना है। पापा का फ़ोन वैसे मैंने बेसिक जो व्हाट्सअप है वो लगा दिया है, ईमेल वगैरह लॉगिन कर दिया है, बट उनका ना वो क्या बोलते उसको प्रॉपर सारा जैसे नोट्स को ट्रांसफ़र करना, बहुत सारी चीज़ें नहीं हुए हैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, इट इज़ द नेक्स्ट डे। अभी मैं बहुत लेट उठी, मेरी रूटीन फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो फटाफट से See, I'll change into something. I have a lot of laundry to do, a lot of things to do. नए वाले जो मतलब पापा के पुराना फ़ोन, मेरा नया फ़ोन, उसका सारा जो भी इंटरनल स्टोरेज में डेटा है वो खाली करके एक जगह पापा को वापस कर देना है। फिर there are so many things and I'm gonna use that phone from now onwards for like shooting videos, क्योंकि इसमें इतने फ़ोन आते हैं ना बाप रे पूछो नहीं, तो मैं शूटिंग वीडियोज़ एंड ऑल दैट स्टफ़ के लिए मैं वो वाला फ़ोन यूज़ करूँगी, टू प्ले सम गेम्स एंड ऑल दैट स्टफ़ एज वेल, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। और या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डे। हेलो हेलो हेलो, कपड़े सारे धोने को डाल दिए हैं, मैं ब्रेकफास्ट बना ली हूँ अपना प्यारा सा, एंड आई हैव रिकॉर्डेड इट, एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लग गया, पसीना भी हो गया, बट मैं थोड़ा सा फैंसी करके रिकॉर्ड कर रही थी, तो वो रील के हिसाब से जाएगा, तो आई विल लिंक डाउन द लिंक रील लिंक, क्योंकि वो दूसरे चैनल पे जाएगा, सो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी ये वाला रील, अगर आपको देखना है सो यू कैन वॉच इट। एंड अभी फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, लग जाते हैं काम पे, बस आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, टू डू लिस्ट इज़ क्वाइट लंबा टुडे। हेलो हेलो, मैं अभी सीधा बैठ रही हूँ काम पे, दिस इज़ माई वर्क स्टेशन राइट नाउ, लैपटॉप इधर में, डायरी एक्स्ट्रा वाला फ़ोन, क्योंकि इससे अभी खाली करना है सब कुछ, दैट्स द सेटअप एज ऑफ नाउ। एंड आई एम ना करेंटली लविंग, बाय द वे इग्नोर दिस टू, करेंटली लविंग दिस सिचुएशन, दिस फ्लावर, बहुत मतलब सही कलर पे ऑफ, मतलब पे ऑफ बोले वक, सही कलर कॉम्बिनेशन बैठा है ये सब, तो चलो ये मेरा रेगुलर का है, ये आज चेंबर चला जाएगा, ये भी हट जाएगा साफ होके, एंड ये कल खाली हो जाएगा, बट दिस थिंग इट इज़ वेरी पिंटरेस्टी, मतलब मैं कुछ बना के, कुछ सेटअप बना के खुश हुई हूँ। या सो दैट्स द करेंट सिचुएशन, अभी फटाफट बैठते हैं काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं काम कितना कैसे होता है। अभी बहुत लेट हो गया, मम्मी चेंबर से आने ही वाली होंगी थोड़ी देर में, तब तक मैं जितना हो सके काम कर लूँ, उसके बाद थोड़ा सा उनसे भी बात करना होगा, बट काम अभी ज़रूरी है, लेट्स गो। हेलो हेलो, वापस से बारिश होने लग गया है मुझे, इसीलिए अभी ध्यान बाहर हो गया। मेरा कुछ हद तक काम हो गया, जैसे मेरे पापा के फ़ोन से जो भी मतलब
कैमरा में या डाउनलोड्स में जो भी इंटरनल स्टोरेज में डेटा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया मेरे लैपटॉप पे। और यहाँ पे टेक अभी सिर्फ दो हिस्सा बाकी है, दैट इज़ टेक्स्ट मैसेजेस एंड नोट्स में जो चीज़ें हैं वो तो कर दूँगी। और या दैट्स द प्लान फॉर नाउ। और इस अभी मुझे नहाना है, मैं नहाना बहुत लेट कर चुकी हूँ, पीछे आपको कपड़े दिख रहे होंगे, कुछ नहीं कर सकते, कपड़े सुखाने डाले हैं, बारिश का मौसम ऐसा मतलब हो रखा है कि बारिश हो रही है, मुझे अभी शायद वहाँ से हटाना भी पड़ेगा। तो मैं अभी फटाफट नहा के लंच करके फिर मुझे बाहर मार्केट भी थोड़ा सा जाना है, कुछ चीज़ें खरीदने ऑर्डर दिया हुआ है कुछ सामान, तो वो चीज़ें लेने जाना है। या सो लेट्स गेट गोइंग। मैं अपडेट देना भूल गई, मैं अभी निकल रही हूँ फॉर सम टिडबिट्स शॉपिंग। आई थिंक मैं लास्ट को वही बोला था, कुछ चीज़ें ऑर्डर दी हुई है वो लेने जाना है, सो आई एम गोइंग देयर। एंड जाते जाते और भी दो तीन काम याद आ गए तो मैंने वो लिस्ट बना लिया है वैसे से करना है। सो आई एम लिविंग टू द मार्केट। आई डोंट नो मैं कितना क्या गंदी लग रही हूँ, पर बहुत दिनों बाद एक डिज़ाइन बना के अच्छा लगा है। इट्स फॉर आवर एडवर्टाइजमेंट, मैं दिखाती हूँ आपको दिस थिंग। सो आई वॉज वर्किंग, तो एक हम लोग एक ऐड बनाने के लिए मतलब वी डोंट वॉन्ट कि हाँ मतलब रील्स में तो ऐसे ही जाएगा, बट हम लोग उतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, सो इसीलिए नाउ वी आर ट्राइंग। और ये चीज़ मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है और टोटली फ्रॉम स्क्रैच, एंड आई एम यूजिंग कैनवा बाय द वे फ्री वाला। सो आई होप, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है, आई होप ये काम भी करे। सो फटाफट इसको डालते हैं, इसको एक्चुअली प्रमोशन पे लाइक एडवर्टाइजमेंट रन करना है इससे, तो देखते हैं। मैं ओ बाय द वे मैंने कल से कोई अपडेट नहीं दिया, मैं घर आ गई थी, बहुत सारी चीज़ें वो मैं उतना ज़्यादा दिखा नहीं, मतलब वीकली व्लॉग है बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई एम जस्ट वर्किंग नाउ, और दो तीन डिज़ाइंस एकदम बना के मैं रख दूँगी सोच रही हूँ, या फिर मैं मुझे एक आर्टिकल पे भी काम करना है, मैं सोच रही हूँ वो कर लूँ पहले, इसको पब्लिश करके ऐड वगैरह रन करा दूँ फिर करते हैं। ऑलराइट, अभी बज रहे हैं रात के 11:30। मेरे लाइक बेड टाइम रूटीन की थोड़ी सी धज्जियाँ उड़ी हुई हैं, बट फिर भी आई एम प्लानिंग ऑन डूइंग समथिंग। मैं इधर हाथ में क्या है, जो पापा का फ़ोन मैंने ले लिया है, तो उसका एक्चुअली क्या है, उसका कलर ना पिक्चर का जो भी है ये थोड़ा येल्लोइश है, लाइक हाउ शैल आई शो यू, ये ऐसे दिख रहा है पीछे का, ठीक है, स्किन टोन में आई थिंक आप लोगों को दिख जाएगा, वॉट एवर इट इज़ आई डोंट नो। मैं एक काम करती हूँ, मैं दोनों में रिकॉर्ड करती हूँ, दोनों का साउंड कैसा है मैं दोनों कंपेयर करूँगी, बिकॉज मैं नॉर्मली इस वाले फ़ोन से, जो मेरा फ़ोन है एक्चुअल में, उससे रिकॉर्ड करती हूँ। वेट, लेट मी जस्ट पुट इट समवेयर। या पैरेलली मैं डाल रही हूँ, सो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन पे कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पापा के पर मतलब मेरे नया वाला फ़ोन पे, तो उसका साउंड क्वालिटी क्या है वगैरह मैं चेक करूँगी। एंड द थिंग इज़ मैं सेकेंडरी फ़ोन को एज लाइक शूटिंग इक्विपमेंट कैमरा टाइप का यूज़ करना चाहती थी, बट क्योंकि ये इतना येलो है, यहाँ पे जैसे मुझे एक्चुअल कलर दिखते हैं जो स्किन कलर है, यहाँ पे मुझे ना ऐसे पेल कलर दिखता है, तो दैट्स वाई आई एम नॉट श्योर कि क्या करूँगी। मैं दोनों ना पैरेलली डाल दूँगी कि हाउ डज इट लुक, और उस हिसाब से आप लोग भी बताना कौन सा बेहतर लग रहा है, तो मैं उसी हिसाब से फ़ोन की सेटिंग भी चेंज कर दूँगी। आई थिंक मैं पहले ही कर दूँगी, बट दिस इज़ द थिंग आई एम डूइंग। और अभी टाइम है जी स्किन केयर करने का, एंड बाय द वे आई गॉट अ क्यूट कवर, दिस इज़ एस्ट्रोनॉट कवर। वैसे ये वाला मॉडल एक्चुअली 2019 मॉडल है ना, पापा ने भी ख़रीदा था 2019 के 31 December में। अरे भाई, रात के 11:30 बज रहे, इनको अभी भी चैन नहीं है, वट एवर इट इज़, इस वाले को पावर ऑफ करते हैं क्योंकि बेकार में जितना कम डिवाइसेस आसपास हो। और मैं एक चीज़ सोचू, मेरा ना उठने का मतलब मेरा स्लीपिंग शेड्यूल इज़ टोटली मेस्ड अप, तो इसलिए आज मैं 11:30 स्किन केयर करने आ गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फ़ोन को इस टेबल पर रख दूँ, क्योंकि जहाँ मैं सोती थी वहाँ से दूर है, तो उससे बेहतर फ़ायदा ये होगा कि मुझे अलार्म बंद करने के लिए उठ के आना पड़ेगा। सो मतलब ऐसा नहीं कि पास में चेयर है कि मैं बैठे बैठे बंद कर दूँ, नहीं, उठ के आना पड़ेगा। अभी फटाफट से करते हैं स्किन केयर,
बालों को भी कुछ लगाते हैं. रिसेंटली आई एम यूजिंग, मैंने पता नहीं ब्लॉग में दिखाया कि नहीं, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड हेयर टोन PB1 बाई अविमी हर्बल. और साथ में ना दिस थिंग, ये तो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, स्कैल्प टोन हेयर ग्रोथ सेरम. ये जो जगह है देख रहे हो ना, दिस थिंग्स, मैं यहाँ पे बाल उगाना चाहती हूँ. वैसे तो बहुत खाली नहीं है बट स्टिल खाली है, और ये मैं पिछले कुछ दिन से यूज़ कर रही हूँ. जो हेलो, इट्स अ संडे एंड आई एम एट माई ऑफिस, क्योंकि काफ़ी काम होता है. इफ़ आई गेट इट डन बाई द वीकेंड इट्स मोर कन्वीनियंट वीकडेज के लिए. हेलो हेलो हेलो, अभी बज रहे रात की 8:15 और मैं काम अभी ख़त्म की हूँ. ख़त्म तो चलो आज के लिए करना पड़ा है बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, बट या आज के लिए फ़िलहाल इतना ही. काम के हिसाब से अभी घर जाते हैं. मेरे दिमाग में कुछ है, जैसे मुझे कुछ और कपड़ों के जगह पे ऑर्गेनाइज करना है एज यूजुअल, तो वो चीज़ मैं दिखा दूँगी घर जाके. बीच में मैं लंच करने घर गई थी, फिर वापस आके काम कर रही थी. एंड या अच्छा लगा काम करके, बहुत देर तक सुकून से काम कर पाई, अच्छा लगा. एंड या नॉर्मली संडे को नहीं आती ना मैं, बट संडे को इतना सुकून मिलता है देख के. अब तो मैं आऊँगी रेगुलर कि संडे को काम करते हैं. मेरे हालात वैसे शक्ल सूरत के कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, अभी फटाफट घर जाते हैं. और राइट, मैं आके घर, काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं रात के 10:30. मैं घर तो आ गई थी काफ़ी पहले, आई थिंक 8:30 बजे तक आ गई थी मैं. बट घर आके मेरे छोटे मामा और उनके बेटे, मेरा कज़न भाई आ गया था, तो आई वॉज लाइक उससे थोड़ा बातें कर रही थी. एंड भाई साहब को थोड़ा बहुत, मतलब ताकि वो मेरा चीज़ें, मतलब उसको टाइम दे रही थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ऑब्वियसली इन गया है. तो कोई बात नहीं, अभी मैंने डिनर कर लिया, मुझे बहुत नींद आ रही है. बट ये व्लॉग में मैं सिर्फ बातें ही करती गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा जो मैं करना चाह रही थी वो मैं ऑलरेडी करूँ. मैं जो ड्रॉर्स, बेसिकली 2-3 ड्रॉर में हाथ पड़ेगा मेरे टी शर्ट्स जो है ना, मैं पहले पता नहीं क्या सोच के अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग रखी थी अलग अलग ड्रॉर में. अब मैं जब वापस रखने आती हूँ ना, मेरा दिमाग घूम जाता है कि ये किस कैटेगरी के, जैसे ये मैं बाहर भी पहनती हूँ घर पर भी पहनती हूँ, तो वो चीज़ मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था कि भाई ये किस कैटेगरी का ड्रॉअर में जाएगा. तो मैंने सोचा सब हटाओ, सारा टी शर्ट एक ही ड्रॉअर में लाओ, सारा टी शर्ट एक ही ड्रॉअर पे लाओ, और बाकी देखते हैं क्या करते हैं. इस ड्रॉअर पे ना मेरे सारे नाइट के कपड़े होते हैं, बट यहाँ पे भी थोड़े बहुत टी शर्ट्स हैं. ये जो है ये तो वैसे कहीं नहीं जाएगा, ये आई हैव जस्ट केप्ट फॉर सेंटिमेंटल थिंग्स. यहाँ पे टी शर्ट है, यहाँ पे टी शर्ट है, तो मैं सब कुछ बाहर निकाल के इस वाले ड्रॉअर में जाएगा. इस वाले ड्रॉअर में टी शर्ट्स एंड पजामे लाइक जॉगर्स मिक्स है, तो वो सब कुछ मैं उधर डालूंगी, यहाँ पे सारे टी शर्ट्स डालूंगी. सो दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. इस वाले ड्रॉअर पे मैंने पजामे रख दिए फ़िलहाल. ये एक योगा पैंट है और एक बाहर है, और ये सारे मेरे रात में मैं जो लॉन्ग टी शर्ट्स पहनती हूँ वो है, तो ये ऐसे ही रहने दो. यहाँ पे मैंने कर दिए हैं सब टी शर्ट्स, तो इससे बेनिफिट ये हो गया यहाँ पे थोड़ा खाली जगह है. ये बाय द वे एकदम नए बाहर ही पहनने वाले टी शर्ट्स हैं. ये है कि पुराने टी शर्ट्स जिसमें या तो कलर फेड है या तो कुछ ना कुछ खराबी है, तभी ये है. ये है कि मैं बहुत कम पहनती हूँ, ये तो आई थिंक मैं डोनेट ही कर दूँगी, क्योंकि ये मैं पहन नहीं पाती हूँ. सामने ना बहुत ऐसे ओपन सा हो जाता है, तो ये मैं पहन नहीं पाती हूँ. आई थिंक आई डोनेट इट. दिस इज़ ऑल्सो लाइक दीज आर द पीसेज विच आई रेयरली वेयर, और ये तो एक एक्स्ट्रा है वैसे भी.
दैट्स इट, ये खाली है तो ये ऐसा ही रहेगा। ये वाला जो ड्रॉर है ये है आप मतलब कुर्ती लेगिंग्स दुपट्टे ये सब का ड्रॉर, ये फिलहाल ठीक है बट आई नो थोड़ा बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, मुझे वो करना है ठीक। और ये तो जैसा था वैसा है वॉक आउटफिट। ये ये जो अभी ऑर्गेनाइज किया ये फिलहाल काम चलाने के लिए, मुझे समझने के लिए, और बाहर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ये जैसे बाहर है दो तीन और टी शर्ट्स बाहर है तो वो होते रहेंगे, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी फ़िलहाल ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अभी बहुत, जैसे आपको मेरे पिछले वीडियो में देखने मिला होगा कि दैट आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, सो अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, वैसे मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो पाई जिसमें सुबह उठना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। आज भी देखो 10:30 बज रहे हैं, अभी मुझे नींद तो आ रही है, मैं पूरा दिन मतलब आज लेट उठी थी बट इट वॉज सो हेक्टिक। तो अभी मैं फटाफट, नॉर्मली मैं रात को नहाती हूँ बट इतने रात को मैं नहीं नहाऊंगी, तो अभी मैं फटाफट फ्रेशन अप होके आके मुँह हाथ धो के स्किन केयर करके सो जाऊंगी। बालों में जो वो स्प्रे वगैरह करती हूँ वो करके थोड़ी देर छोड़ देती हूँ सो दैट वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, फिर मैं अच्छे से बाल बांध लूँ। बट एक चीज़ जो मैं बताना चाह रही थी विच आई थिंक इट्स वेरी यूजफुल फॉर मी, मैं पॉज कर देती हूँ नहीं तो मुझे दिख मतलब मेरा ध्यान इधर जा रहा है। सो वट आई डू इज़ वेन एवर आई एम डूइंग अ स्किन केयर एट नाइट इट्स लाइक अ रिवाइंड प्रोसेस, हाँ कि मतलब पूरा दिन का थकान अभी दूर करके अभी आराम करने को जा रहे हो आप, सो दैट टाइम मैं ना एक प्ले कर देती हूँ ये लो फाई म्यूज़िक, बेसिकली रिलैक्सिंग म्यूज़िक है नथिंग एल्स, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इट्स लाइक वर्क लो फाई डी फोकस वट एवर इट इज़ जो भी है, बहुत सटल हल्का म्यूज़िक है। इवन व्हेन आई एम रीडिंग बुक और डूइंग एनी वर्क जहाँ पे मुझे बैकग्राउंड एक म्यूज़िक चाहिए जिसमें मैं कूदने न लग जाऊँ नाचने न लग जाऊँ, वैसा म्यूज़िक चाहिए तो आई ऑलवेज प्ले दिस, दिस इज माय ये क्या बोलते हैं विश वॉच लेटर, मैं इसे बोला भी नहीं जा रहा, टुडे आई एम टू मच टायर्ड टू टॉक बट एनी वे आई हैव टू डू माई हेयर केयर स्किन केयर, तो वे फटाफट से वो करते हैं और सो जाते हैं। मुझे अभी ध्यान हुआ कि मैं व्लॉग एंड करना ही भूल गई, सो मैं मिलूंगी आपको मेरे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हाजिर एनर्जी नहीं है।